अंडों को माना जाता है एक बहुत ही संपूर्ण खाने की सामग्री और परफेक्ट है नाश्ता या रात के खाने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं अंडों को पोच और सर्व करेंगे उन्हें बेक्ड बीन्स और टोस्ट के साथ। फ्रेश अंडों को हल्के से पोच करके उन्हें सर्व किया जाता है गार्लिक टोस्ट और स्पाइसी बेक्ड बीन्स के साथ। जो सामग्री हमें आज चाहिए वो है थोड़ा पानी अंडों को पोच करने के लिए, ब्रेड लेंगे टोस्ट बनाने के लिए, अंडे 2 या 3, 1 कप भर के बेक्ड बीन्स, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, मक्खन, अजमोद, लहसुन और इटालियन सीजनिंग। मेरे पास यहाँ पे है बेक्ड बीन्स जो पैन में पक रहे हैं, उसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इसे हम सिर्फ गरम कर रहे हैं, ये पहले से ही पक चुके हैं, हम गरम कर रहे हैं ताकि ये खाने में अच्छे लगे। ये हो चुका है, अब गैस को बंद करेंगे। अब लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन और लहसुन ब्रेड के ऊपर और दूसरी स्लाइस पे भी लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन। और अच्छा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और उसे टोस्ट करेंगे। पकाएंगे जब तक ये हो जाए गोल्डन ब्राउन। हमारा गार्लिक ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो चुका है, उसको लेकर के हमारी सर्विंग प्लेट में साइड पे रखेंगे। अब हम पोच करेंगे अंडों को। तो यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा पानी पैन के अंदर और वो लगभग उबलने को आया है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक अंडे को हल्के से ब्रेक करके आराम से इसमें डालेंगे और व्हाइट्स को हम सख्त होने देंगे। ध्यान रखिए कि ये आप कर रहे हो धीमी आंच पे। हमारा अंडा पोच हो चुका है, ले लेंगे उसे प्लेट पे। अब हम तैयार हैं असेंबल करने के लिए हमारे बेक्ड बीन्स, गार्लिक टोस्ट और पोच किए हुए अंडे। तो हम क्या करेंगे कि लेंगे बेक्ड बीन्स और ध्यान रहे कि ये सब कुछ हो गर्मा गर्म। अब रखेंगे हमारे गार्लिक ब्रेड या गार्लिक टोस्ट इस प्लेट पे और नरमी से स्लाइड करेंगे पोच किया हुआ अंडा गार्लिक टोस्ट के ऊपर। और देखिए ये तैयार है, एक परफेक्ट नाश्ता। कोई कैसे गलत जा सकता है ब्रेड, मक्खन और अंडों के साथ। ये है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए। जब आप थक गए हो या आपके पास समय कम हो, तब ये पोच्ड अंडे और टोस्ट बनाइए और सेहतमंद नाश्ते का मजा उठाइए।